वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें। अगर एक परफेक्ट वेब सीरीज देखने का आपका मन है तो ये वीडियो आपके लिए बढ़िया होने वाला है। आज मैं करने वाला हूँ द फैमिली मैन वेब सीरीज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले Amazon Prime पर रिलीज हुई वेब सीरीज द फैमिली मैन, जिसमें लीड रोल निभाया है मनोज वाजपेयी सर ने, उनकी वाइफ का रोल किया है साउथ इंडियन एक्ट्रेस प्रिया मणि जी ने। इस वेब सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स हैं और तकरीबन सभी की लंबाई 40 से 50 मिनट की है। हम इस वीडियो में आपको किसी तरह का कोई स्पॉइलर नहीं देंगे और ना ही स्टोरी के बारे में कुछ बताएंगे, बस ये बताएंगे कि ये वेब सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके टाइटल से धोखा मत खाइएगा, द फैमिली मैन सिर्फ एक फैमिली वेब सीरीज नहीं है बल्कि एक थ्रिलर सस्पेंस से भरपूर वेब सीरीज है, जहाँ एक सीनियर एजेंट अपने देश की सुरक्षा और अपने घर के बीच में तालमेल बिठाता दिखाई देगा, लेकिन वो अपने घर से ज्यादा अपने देश को प्यार करता है। इसलिए हमें ऐसा हमेशा लगता रहेगा कि वो एजेंट जो देश के लिए समर्पित है, वो अपने घर परिवार से कैसे अलग हो जाते हैं और चाहकर भी वो घर में ध्यान नहीं दे पाते और देश के लिए मर मिटते हैं। पूरे 10 एपिसोड तक आपका थ्रिल बरकरार रहेगा और कितनी बार तो कुछ ऐसे सीन्स आएंगे जिसमें आप क्या बात है, मजा आ गया, कहने से अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। वेब सीरीज में गाली गलौच अच्छी खासी है, लेकिन वो फालतू में ठूसी नहीं गई है, उनका वहां पर होना बनता था, वरना वो सीन आपको नेचुरल नहीं लगेंगे। ये वेब सीरीज आपको जोड़े रखती है और कितनी बार तो आप कैरेक्टर में खुद ही घुस जाते हो और छानबीन शुरू कर देते हो। ये बात शो करती है कि कैसे वेब सीरीज हमें अपने आप से जोड़ लेती है। अगर आपको इस तरह का थ्रिल महसूस करना है तो ये 10 एपिसोड आपको एक साथ देखने पड़ेंगे, वरना मजा नहीं आएगा। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने रात को 9 बजे देखना शुरू किया था और सुबह 4 बजे खत्म हुआ, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैंने बिल्कुल वैसा ही फील किया जैसे मैं आपको बता रहा हूं। मैं खुद उस कैरेक्टर में घुस गया और खुद ही छानबीन करने लग गया। दिस शो की वेब सीरीज में दम है। एक्टिंग की बात करूं तो किसी की भी एक्टिंग ओवर नहीं लगती, सब अपने अपने कैरेक्टर को सही से निभा रहे हैं। इस वेब सीरीज में आपको एक्ट्रेस गोल प्रलाद भी देखने को मिलेंगी, जिनका रोल भी काफी अच्छा है, लेकिन पूरी वेब सीरीज मनोज वाजपेयी जी के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा। जब आप वेब सीरीज को देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि कुछ बात महसूस की जा सकती है, उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जब आप वेब सीरीज देख लें तो खुद मुझे कमेंट करके बताएं कि जो मैं बोल रहा हूं वो कितना ठीक है। आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक एंजॉय वॉचिंग द वेब सीरीज।